प्रशासन सिर्फ मस्जिद गिराने के लिए जा रहा है और सरकार से किसी को कोई गिले शिकवा नहीं है। प्रशासन जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है इस मस्जिद को गिराए कानूनी कार्रवाई के तहत, तो ये सारा जलसा प्रदर्शन सब कुछ बंद हो जाएगा। बस हम एक ही मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस मस्जिद को गिराया जाए, क्योंकि ये कागजों में भी आ गया कि अवैध मस्जिद है, ये सरकार की जमीन पर बोर्ड का कब्जा है, तो इसको तुरंत हटाया जाए, गिराया जाए इसको। बस हमारी सरकार से यही मांग है। देखिए, हमने तो पहले दिन ही प्रशासन को कह दिया था कि हमें परमिशन दीजिए और हम शांतिपूर्वक ढंग से जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे। हमें प्रशासन ने जो है वो आश्वासन भी दिया था कि ठीक है, हम आपको कहीं ना कहीं पर सिंजौली में परमिशन देंगे। लेकिन आपको बता दें कि रातों रात जो है इन्होंने धारा 144 या धारा 163 लगा दी गई। हमें इन्होंने धोखे में रखा। जब इनको ऐसा पता था कि भाई यहाँ पर प्रोटेस्ट होने वाला है, तो इनको अपना इंतजाम पहले ही करके रखना चाहिए था ना। लाठी चार्ज में बहुत सारे हमारे लड़के जो है वो भी घायल हुए हैं, बहुत सारी लेडीज जो है उनको भी चोटें आई है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। ये पुलिस प्रशासन को हमें समझ नहीं आ रहा कि हम लोग क्या पाकिस्तान से आए हैं या हम लोग आतंकवादी हैं। हम सिर्फ अपने हिंदू धर्म के लिए ही प्रोटेस्ट कर रहे थे ना। जी हाँ, हमारे बहुत सारे लोगों को देखिए, सुबह भी जो है वो अंदर किया है, इन्होंने जेल में डाला है, वो भी बिना किसी मतलब से, जो कि हम लोगों ने कोई भाई मतलब इकट्ठे होकर नहीं जा रहे थे, एक एक दो दो करके आ रहे थे, उसके बावजूद भी इन लोगों ने जो है वो हमारे लोगों को अंदर किया है। देखिए, अभी तो हमारे लोग कम से कम 15 से 20 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिसमें 3 से 4 महिलाएं भी है। इन लोगों ने महिलाओं को तक नहीं बख्शा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो ये पुलिस वालों ने जिस तरह से हमारे साथियों पर जो लाठी चार्ज किया है, उससे पुलिस प्रशासन की हम बेहद कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमने एक शांति प्रिय जो एक प्रोटेस्ट किया था, उसके चलते फिर भी पुलिस वालों ने अपना ये उग्र प्रदर्शन दिखाया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारे प्रशासन के आगे मांग थी कि जो भी अवैध निर्माण है केवल इसको तोड़ा जाए, इसके बावजूद भी अभी भी वहाँ पर जो मस्जिद में नमाज पढ़ने लोग आ रहे हैं, तो प्रशासन का यहाँ पर भी हम फेलियर बताते हैं। प्रशासन की तरफ से कोई भी हमें सेटिस्फेक्शन जो भी इसकी कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। हम कहाँ से हमारा ये है कि जो हमारा शांतिपूर्ण जो आंदोलन चल रहा है इसको चलने और इस मस्जिद को जो है कहना वहाँ पर डिमोलिश किया जाए। इसके साथ साथ प्रदेश में जितनी भी इलीगल मस्जिदें हैं उनको जो है डिमोलिश जो है करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये जो हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है ये और उग्र हो जाएगा। और दोबारा से हमारा सरकार से ये निवेदन है, इसको जल्दी से जल्दी जो है हटा दिया जाए। जल्दी में बीचों बीच बाजार में चार मंजिला इमारत बना दी गई है, अवैध निर्माण है, जिसका जिक्र यहाँ के जो मंत्री है उन्होंने विधानसभा में किया है। वो गिराने आम जनता की डिमांड है कि जब गरीब लोग अपनी झोपड़ी वगैरह बनाते हैं तो प्रशासन उनका बिजली पानी तुरंत काट देता है, लेकिन ये चार मंजिला इमारत तो पिछले कई सालों से खड़ी है, उसमें बिजली भी और पानी भी सुचारू रूप से आ रहा है। और बाहर के लोग यहाँ पे दिनचर्या की रोज जो यहाँ के लोगों जो स्थानीय लोगों को तंग करते हैं, उसके जन भावना कितना जबरदस्त आक्रोश मैंने जिंदगी में नहीं देखा। प्रशासन से सीधी सीधी मांग है, जो अवैध निर्माण है उसका तोड़ा जाए।